मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लो। रुक जाओ भाई। क्या हुआ? जब देखो तब जोशीले सांड की तरह अपना काम निकल जाता है तो फिर यहाँ से भाग जाते हो। लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या? मतलब क्या है? मेरा पांचवा महीना चल रहा है। क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या कहा था तूने? जो करना था सब करके अब झूठ बोल रहा है। क्या? मैं झूठ नहीं बोला। जो झूठ तुम बोल रही हो, कुछ भी कर लो तुम, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। आप में से कोई भी उस पाटिल के बारे में नहीं जानता। पूरा गांव उसके अंडर में होना चाहिए, पूरी लोग उसकी बात माननी चाहिए, यही चाहता है वो। ऐसा नहीं होता तो विकास की ओर ले जाए बगैर आपको अंधेरे में क्यों रखता? हाँ, अगर आपको लड़ना है तो पहले उसके खिलाफ लड़ना होगा। कितने दिन ऐसे रहोगे? गांव में ना हॉस्पिटल है, ना बस है, ना सड़क है। हाँ, बिल्कुल। और कितनों की मौत देखना चाहते हैं आप लोग? पहले पूरे गांव वालों को मना कर पाटिल का जो अहंकार है ना, पहले उसे तोड़ना होगा। पहले ये काम करो, अगर नहीं तो आपका भला कभी नहीं हो सकता, इस गांव की तरक्की नहीं हो सकती। आगे आपकी मर्जी, जो करना है कर लो, बस समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारा गांव सड़क के बगैर कितनी तकलीफ में है सब लोग देख ही रहे हैं। तकलीफ का सामना भी कर रहे हैं लेकिन सोचते नहीं। शहर जाने के लिए सड़क और ब्रिज के बारे में कभी किसी ने सोचा है क्या? बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हर साल कितने लोग मर रहे हैं, आप सभी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अभी भी उस पाटिल से डरकर चुप नहीं रह सकते, अब हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। देखो भाइयों, हमारे गांव में सड़क और ब्रिज होना चाहिए या नहीं? चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो अर्जी पर साइन करो, हमारे गांव में सड़क का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ साइन करो। अरे, क्या हुआ? ये चला क्यों गया? क्या हुआ यार? ए अकले, सुबह में अपना विजय ऐसे ही चला गया यार। मुझे भी यही शक हो रहा है यार, वो कहीं पाटिल के साथ मिलकर कोई नाटक तो नहीं कर रहा है ना? सही कहा, पाटिल से अंदर ही अंदर पैसा लेकर कुछ तो बात कर रहा है वो। मैंने खुद देखा था। ये तो सच कह रहा है यार, हम सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेचारा अजय भी कितनी मेहनत कर रहा है। उस लड़की के लिए वो विजय पाटिल के साथ मिलकर हमारे गांव की बलि देने निकला है। ए हकले सुनना, एक बार अजय से बात करके देखते हैं यार, मुझे लग रहा है वो अपने दिल में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या बकवास कर? सुनो दोस्तों, उसको सबक सिखाना ही होगा, क्या कहते हो? कहने के लिए कुछ नहीं है, पकड़ के धो देते उसको। ए, हाँ। चलो यार, आज इसकी बॉट लगा देंगे। चलो यार, चलो शामू, रुक जाओ ना यार। अरे रामू, अरे अब मैं क्या करूं? ए विजय, क्या हुआ? अरे धोखेबाज कही के हमारे साथ साथ रहकर अंदर ही अंदर पाटिल को सपोर्ट करके नाटक करते हो, भोले बनते हो। बताना। अरे इससे क्या बात कर रहे हो, मारो इसको। मारो मुझे, क्यों रुक गए तुम लोग? मारो ना मुझे, मैं क्या पागल हूँ उस पाटिल का सपोर्ट करने के लिए? मारो यार, तुम्हारे अलावा मुझे मारने का अधिकार और किसी को नहीं है। उस पाटिल के साथ रहता हूँ सिर्फ तुम्हें इतना ही पता है ना, लेकिन एक और बात है जो तुम लोग बिल्कुल नहीं जानते। विजय। हाँ माँ। यहाँ आओ बेटा। ये क्या है बेटा, कब तक ऐसे ही घूमते रहोगे? कुछ जिम्मेदारी भी उठाओ या बाहर जाकर कुछ काम धंधा भी ढूंढ लो बेटा। अरे मेरी फूटी किस्मत, तेरे पापा भी किसी की बात नहीं मानते थे, शराब पी पी कर अपनी जान गंवा दी।
तेरे पापा ने सिर्फ इस घर के अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बर्बाद करके चले गए। तुम ऐसा मत करना। चुप रहो माँ, ऐसी बातें मत करो। सुनो बेटे, तुम्हें चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, सिर्फ तुम्हारे पापा की समाधि को बचा लो बेटा। ठीक है माँ, बचा लो। तुम अब शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। माँ पानी पी लो। माँ माँ पानी पी लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो माँ। माँ 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 इतना सारा दुख अपने दिल में छुपा कर अकेले तड़प रहे थे ना तुम, हमें क्यों नहीं बताया? हम सब मर गए थे क्या? ऐसा क्यों किया तूने? हमें बताया क्यों नहीं तूने कभी? कैसे बताऊं यार, एक तरफ तू है कि सड़क बनाने के लिए जिद कर बैठा है और दूसरी तरफ मिलिट्री मामा जी हम लोगों पर कितना विश्वास रखते हैं पता है? अरे विजय, माँ बाप की समाधि पर सड़क बन जाए, गांव वालों की भलाई होगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? सच बात है, अगर सड़क बन गई तो मेरे मरे हुए माँ बाप की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी यार। तो अब चलो, जो भी होगा देखा जाएगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। चलो। अरे सोच क्या रहे हो, चलो सबक सिखाते हैं। चलो 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 सब लोग, चलो 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 चलो, आ जाओ विजय, चलो। लगता है ये सब फिर से एक हो गए हैं, बताता हूँ इनको। अरे रे, देखो देखो सभी लोग, देखो बच्चा रो रहा है, देखो सभी देखिए, ऐसे खड़े मत रहिए, सामने आइए, ये किसका बच्चा है बताइए हमें? एक मासूम बच्चे को झाड़ियों के बीच छोड़कर चले गए, इंसानियत के दुश्मन कैसे लोग हो तुम? सामने आओ। पाटिल जी, ये जो कुछ भी हो रहा है गांव के लिए ठीक नहीं है। अरे शिव शिव, इस गांव को क्या हो गया है? ए, जो नहीं देखना था वो देखना पड़ रहा है, जो सुनना नहीं था वो सुनना पड़ रहा है। कौन है वो वहशी दरिंदा? कौन है इस बच्चे का बाप? हाँ, जो भी है चुपचाप सामने आ जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बोल देता हूँ। सामने आओ। सामने क्या, आखिर किसका बच्चा है ये? अरे ये तो मरने के लिए बोल रहा है। ओह, आओ आओ आओ, क्या किया है तुमने ये सब? अगर इतना ही दुख था तो कोई तालाब और कुआं नहीं है क्या हमारे गांव में? इतनी गंदी हरकत क्यों की? ए, तेरा पति तो मर चुका है, फिर ये बच्चा कैसे आया? चल बता, कौन है वो? किसका है ये बच्चा? कौन है इस बच्चे का बाप? कौन है? ये काम तो हकले का ही है। ए, बोलना कुछ। ये क्या रे हकले हैं? ए, तू कब से ऐसा काम करने लगा? ए, बदमाश कहीं का? ए, भोला, इसे मार के गांव के बाहर निकाल दे। दाना पानी सब बंद कर दो। सुनिए, रुकिए एक मिनट, रुकिए। हमारी गांव की, रुकिए। अरे अरे अरे, रुकिए, मार क्यों रहे? रुकिए, अरे रुकिए पाटिल जी, अरे करो इसे, बहिष्कार कर दो इसका। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, जो बोला है वही होगा, इसको तो हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ऐसे फैसला नहीं लिया जाता। रुको, ये इस तरह गांव से निकालना, बहिष्कार करना, ये किस लिए पाटिल जी? आप अभी भी कौन से जमाने में जी रहे हैं? ए शंकर, यहाँ यहाँ। पाटिल जी, गलती सभी करते हैं, गलती इसकी नहीं है, इसके उम्र की है, हो गया है अनजाने में। क्यों रे, अब इससे शादी करेगा क्या? ए, कैसी बातें कर रहे हो तुम? भैया ये क्या बात कर रहे हैं आप? वे विधवा है, कैसे शादी कर सकते हैं? विधवा औरत का कोई भी हक नहीं होता है क्या? हाँ, पति के मरने के बाद ये जी नहीं सकती क्या? अरे छोड़ो ये सब, पहले इनको जीने का मौका दो ताकि ये भी जी सके। पाटिल जी, एक मंगल सूत्र मंगवाइए। अरे जाओ ना भोला, पाटिल जी कह रहे हैं ना, जाकर ले आओ। ए भोला। अरे पाटिल जी शांत रहिए, मंगलसूत्र लाने दीजिए, इनकी भलाई के लिए इनको आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई तुम ये सब क्या करने जा रहे हो? अरे पाटिल जी, इन्होंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। लीजिए मंगलसूत्र आ गया, दे दो दे दो। अरे दो ना, छोड़ो इधर। सुनो गांव वालों, आप लोगों को साक्षी मानकर हमारा शंकर इस औरत को नया जीवन दे रहा है, आशीर्वाद दीजिए। तालियां, ताली बजाओ सब लोग।